गाइस इट्स द नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम हम लोग हो गए रेडी, 5 बज रहे हैं। अभी हमको निकलना है केदारनाथ की तरफ गुप्त काशी से, फिर वहाँ से आज ही ट्रैक शुरू करना है। तो हमने अपना सामान पैक कर लिया, सब कुछ बिखरा हुआ है अभी तो फिलहाल रूम में। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे, आज सब कुछ बचाना, बैटरी वगैरह, तो आगे ही मिलेंगे अब। तो गाइस अभी फिर से कर लिया स्कूटी का लोड, यहाँ से आगे निकलना है। ये तो बहुत तगड़ा रास्ता बना है, मौसम साफ है और हम लोग रुके थे इस होम स्टे में जो बिल्कुल जोशीमठ में है। मैं ना पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर रूम सस्ते हैं अगर आप यहाँ आते हो। हाँ यही है, यहाँ से नीचे एक बड़ा पुल आएगा, हाँ। वहाँ से लेफ्ट जाना है, वहाँ पूछ लेना आप एक बार। लेफ्ट जाना है, हाँ। रोड अच्छी है, रोड अच्छी है बद्रीनाथ की। चमोली नहीं, हाँ चमोली, ये नहीं, नहीं ये नहीं, नीचे से चमोली है ना, हाँ चमोली होके उधर से एक बार आप फिर भी नीचे ना कंफर्म कर देना, बड़ा पुल आएगा ना जो, हाँ। वहाँ से लेफ्ट है वैसे भी, ठीक है। आगे ट्रैफिक तो नहीं है ना अभी, खाली है ना अभी, जाना है हमें सोनप्रयाग। बैठ गए, रोड की कंडीशन कुछ ऐसी है कि क्या बताएं, कुछ भूले नहीं है ना हम पक्का। तो अपने को एक फ़ायदा ये है कि हम पहले ऑफ रोडिंग कर करके थक चुके हैं, सोनप्रयाग 32, गुप्त काशी, केदारनाथ 55। फाइनली हम लोगों ने सोनप्रयाग से पैदल जाने का डिसीज़न लिया, क्योंकि भाई वहाँ इतनी भीड़ थी कि टैक्सी में जाने के लिए ना लोग खून भी कर सकते हैं। 5 किलोमीटर है सोनप्रयाग से, आगे गौरीकुंड, फिर वहाँ से ऊपर। तो हमने सोचा कि ये पूरा ट्रैक कर लेते हैं। 8 बजे हम लोग शुरू कर रहे हैं और अपने को लगेंगे शायद 6-7 घंटे, खैर जिस स्पीड से चल रहे हैं उस हिसाब से तो कम भी लग सकते हैं। तो पूरे रास्ते में बहुत धूल, मॉर्निंग में भी इतनी धूल, बहुत ही अजीब सा हो रखा है। तो यहाँ का प्रोसेस है ना जो बाद में शांति से समझेंगे, अभी तो फिलहाल ऊपर की ओर निकलते। देखो हमने पूरी लाइन वाली भीड़ को हटा दिया, अब हम थोड़ा थोड़ा खाली होता जा रहा है उस भीड़ पे हैं, और इसके बाद शायद आगे जाते जाते पूरी भीड़ छट जाएगी। गाइस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है केदारनाथ का ट्रैक, यहाँ से एग्जैक्ट 16 किलोमीटर दिखा रहा है, बट है नहीं 21 होगा क्योंकि 5 हम ऑलरेडी चल चुके हैं। हम लोग भी है गौरीकुंड में, <Yeah. coughs>
यहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट होगा ट्रैक। सुबह 9 बजे का टाइम और ये हालात हैं स्टार्टिंग में। यहाँ से ट्रैक है 12 किलोमीटर। हमने ब्रेकफास्ट किया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और दिक्कत ये आ रही है कि धूप तेज है, पीने का पानी जगह जगह है लेकिन उसमें मिट्टी आ रही है। मुझे बुखार गाइस, अभी पहुंच रहे रामवाड़ा पुल जो आपने मूवी में देखा होगा, ऊपर जा रहे हैं। बैठ जाओ, ठंडा पानी पिलाओ। तुम पूरा खाते हो। ये है वो पुल और यहाँ से जाना है ऊपर बिल्कुल टॉप पे। ये है वो पुल भी 6 किलोमीटर और जाना है इस रास्ते में। हालत ये है कि बुखार है, पसीने आ रहे, ठंड लग रही है, गर्मी भी लग रही है। भोले के लिए इतना बनता है। ये है ट्रैक्टर की पावर। यहाँ पे जगह जगह टॉयलेट आपको मिल जाएंगे, इसकी टेंशन नहीं है। और कैंप्स भी यहाँ पे बहुत है। वो देखो नीचे हर जगह पे कैंप लगा रखे हैं। बैठे खाना खाने, खाना खाने के बाद चलेंगे यहाँ से। बुखार अभी भी है पर फिर भी मानेंगे नहीं, आज तो केदारनाथ पहुँच के रहेंगे। मौसम ख़राब है, हो रहा है ख़राब हो रहा है।
हमारे लिए खाना आ गया। अरे भाई जी कुर्सी तो आपकी खत्म हो गई। कोई कोई नहीं। अरे मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हम पढ़ रहे केदारनाथ मंदिर की तरफ। फीवर, बॉडी पेन, सुबह 7 बजे से चल रहे पैदल और अब पहुँचेंगे। यह लाइन चलो चलो भाई। तो अभी मंदिर बंद है, 6 बजे आरती शुरू होगी, फिर सबको दर्शन करवाए जाएंगे। मैं तो पहले ही अंदर चला जाता हूँ। ये है गाइस भीमशिला, केदारनाथ धाम आके बोले रूम चाहिए। मैं बता नहीं सकता, एक इंसिडेंट चमत्कार ये कह लो, बहुत ही इमोशनल फीलिंग है 18 किलोमीटर के बाद। लिटरली गूज बम्स, बता नहीं सकता वो क्या हुआ इंसिडेंट, बट फैन हो गया मैं। इतने बुखार के बाद भी जय बोले, हर हर महादेव। सो पॉजिटिव, सो पॉजिटिव, बोल नहीं सकते। 3 धाम कंप्लीट, 3 चौथा भी हो जाएगा, अब चौथा जरूर होगा, चौथा हो जाएगा जरूर, परसों कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएगा। ये बुखार कब तक रुकेगा? अच्छा, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही? नहीं नहीं। तो गाइस एक प्रॉब्लम और हो गई, फीवर होने की वजह से मेरा ऑक्सीजन लेवल हो गया कम और कफ भी है, सब कुछ है। तो अब सीधा टेंट में जाके रेस्ट करना है और रात को निकलना है।
3 बजे ताकि हम 10 बजे को गौरीकुंड पहुंच के अपनी स्कूटी ले लें और वहां से सीधा निकलेंगे हम बद्रीनाथ के लिए। अभी का व्यू तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे देखो। और दूसरी चीज़ ये कि पूरी रात यहाँ लोग चलते हैं तो आप निश्चिंत होकर रात पर चल सकते हैं यहाँ पे हद से पहाड़ी। फाइनली गाइज हम अपने टेंट में आ चुके हैं और अब सोना है और कल सुबह 3 बजे निकलना है, मतलब आज ही सुबह 3 बजे निकलना है वापस 27 किलोमीटर नीचे एंड फिर बद्रीनाथ। मुझे फीवर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी है, ऑक्सीजन डाउन हो चुकी है बट 4 धाम तो कंप्लीट करके ही जाएंगे। यानी एक्सपीरियंस दिस इज अनबिलीवेबल, मतलब कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सब हो गया, सब इन 3-4 दिनों में सब भूल गया पीछे का जो भी था। बस कल ठीक हो जाए फिर चले निकले नीचे की ओर, फिर बद्रीनाथ, फिर बद्रीनाथ से ऋषिकेश, देहरादून, देहरादून से फिर वापस घर की तरफ। 2023 कामयाब करने ही करना है, 4 धाम। चलो मिलते हैं बाद में। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, जब मैं अपलोड करूँगा वो अलग चीज़ है पर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय, सी यू। जय केदार बाबा की।